मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात जमीन घोटाले की, जहां से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास पर ही पूछताछ की। करीब 7 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारियों ने सवाल जवाब किया। शाम करीब 8:30 बजे पूछताछ खत्म होने के बाद ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सीएम आवास से बाहर निकले। आवास से बाहर दिन भर से खड़े अपने समर्थकों और जेएमएम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समर्थकों को संबोधित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हम आखिरी सांस तक कार्यकर्ताओं के साथ हैं और पहली गोली खाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि बड़े घर आने वाले लोगों की राज्य पर नजर है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार को गिराने की साजिश विफल हो रही है। हमारे विपक्ष के लोग जिस तरीके से सरकार बनने के बाद से सरकार गिराने के षड्यंत्र रच रहे हैं और इनके हर षड्यंत्र विफल हो रहा है, बड़ी सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से विपक्ष के लोगों को टारगेट करके प्रहार किया जा रहा है, ये देश से छुपा नहीं है। उस कड़ी में हम भी आते हैं। हर लड़ाई में आपके नेतृत्व में सबसे पहले हेमंत सोरेन खड़ा रहेगा। इस राज पर गलत नजर रखने वाले को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक आदिवासी नौजवान पहली बार अपनी ताकत पर जीत करके इस राज का मुखिया बना। आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने इस राज को अलग किया। हमारे आदरणीय विषम गुरु शिव सोरेन जी और अनेक लोगों ने अपने वीरता का परिचय दिया है। हम लोगों को भी इस राज को षड्यंत्रकारी लोगों के हाथ में कभी नहीं जाने देना है। जो हम लोगों को राजनीतिक चुनौतियां सामने हैं, इसके लिए गांव गांव आप लोग पहुंचिए, लोगों को बताइए कि किस तरीके से हम लोगों को यहां के मूलवासी आदिवासियों के हमारे इस राज के खनिज संपदा जन जंगल जमीन को लूटने का एक षड्यंत्र बड़े घरानों की तैयारी चल रही है। आपका जेब काट कर उनके जेबों को भरने की तैयारी चल रही है। ये षड्यंत्र झारखंड में हम लोग मुख्यमंत्री से ईडी की पूछताछ और उसके बाद हेमंत सोरेन के बीजेपी पर हमले को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा है कि सीएम का जोश में रहना अच्छी बात है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों को डराने की कोशिश करना सही नहीं है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन का कहना है कि इस तरह की जांच सीएम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर गलती से भी कोई गलती हो गई तो 2024 में केंद्र सरकार को हिला देंगे। जोश होना चाहिए झारखंड के भलाई का, ये जोश होना चाहिए झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के, कैसे सुख सुविधा का ख्याल रखें, कैसे उनका उन्नति हो, ये जोश रहेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन ये जोश अहंकार में होना, तो देखिए अहंकार जब रावण का नहीं रहा तो मैं समझता हूँ किसी का नहीं रहेगा। ईडी उनसे 7 घंटा पूछताछ करे नहीं पूछताछ करे, ये ईडी का मामला है, उनका मामला है। लेकिन जिस प्रकार से ईडी को घेरने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर जिस प्रकार से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, तो क्या कोई एजेंसी जिसे अधिकार प्राप्त है और जो राष्ट्रहित में काम कर रहा है वो डर जाएगा क्या? देश के सबसे बड़े आंदोलनकारी, सबसे बड़े जुझारू नेता शिव सोरेन का बेटा है, उनकी रगों में संघर्ष है, उनकी रगों में अन्याय के खिलाफ लड़ना है, उनके रगों में तानाशाही के खिलाफ लड़ना है।
तमाम झारखंडियों की अस्मिता आज उनके साथ जुड़ी हुई है। लोग जो भी पूंजीपति घराने हैं वो चाहते हैं किसी तरह सत्ता को, उनकी सत्ता को डवाडोल करना, गिराना। जिनको जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनको 3.25 करोड़ झारखंडियों का आशीर्वाद प्राप्त है, कोई माई का लाल हिला नहीं सकता। अगले 2024 में जनता इसका जवाब देगी, जो तानाशाही रवैया केंद्र की सरकार ने अपना रखी है। ईडी की जबरदस्ती कार्रवाई से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी न हताश हो सकते हैं न परेशान हो सकते हैं। वो एक आंदोलनकारी के लड़के हैं, उनके रगों में आंदोलनकारी का खून है। वो कभी भी भाजपा के सामने, ईडी के सामने वो झुक नहीं सकते हैं और ना ही ईडी उनको डरा सकता है। आप समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती ईडी, सीबीआई और आईटी का धौंस दिखाकर गैर भाजपा शासित राज्यों में विपक्ष के नेताओं को जबरदस्ती डरा धमका रही है। और ईडी सीबीआई से जिस तरह से उसने अलायंस कर लिया है, अब तो राजनीतिक दल उनसे अलायंस करने से परहेज कर रहे हैं। अब सिर्फ जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनसे अलायंस करके विपक्ष के नेताओं को जबरदस्ती डराया धमकाया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, कल जिस तरीके से पूछताछ हुई, कार्यकर्ता जहां सीएम आवास के पास इकट्ठा हुए थे और उसके बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन खुले तौर पर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि देखिए मैं झुकूंगा नहीं, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ऐसे में अब वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए प्रीति, झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु कल मुख्यमंत्री आवास था। पहले से ही वक्त निर्धारित था कि ईडी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए वहां पर जाना है। जैसे ही मुख्यमंत्री के आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं, उससे पहले ही पूरा जो माहौल है वो साफ तौर पर देखने जैसा था, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री आवास के आसपास इकट्ठा हो गए थे। ईडी के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी, लेकिन जब 7 घंटे की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री बाहर आते हैं तो वही जोश देखने को मिलता है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि वो झुकेंगे नहीं और आने वाले दिनों में साफ तौर पर जो जुल्म ढाया जा रहा है झारखंडियों पर उसका जवाब दिया जाएगा। अब इस पूरे मामले पर राजनीति जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। बीजेपी का सीधे तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री आवास के आसपास जेएमएम का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, ये कोशिश थी ईडी को डराने की, लेकिन ईडी नहीं डरेगी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उनका ये सीधे तौर पर ये कहना है कि भले ही बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां राज्य सरकार को परेशान कर रही हैं, लेकिन तमाम चीज़ों का जवाब 2024 में दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके कैमरा देखिए, बड़ी बात यह है कि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है ईडी की आड़ में। चूंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि ईडी अपना काम करेगी, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर यहां पर बनाया जा रहा है। और सीएम हेमंत सोरेन खुद कहते हुए नजर आते हैं कि कितना भी दबाव बना ले हम झुकेंगे नहीं और 2024 में आखिरी कील हम ही ठोकेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर पहले समन की बात करें तो मुख्यमंत्री को पहले समन के मुताबिक 14 अगस्त को ईडी के दफ्तर बुलाया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री 15 अगस्त की तैयारियों में मशगूल थे, इसीलिए उन्होंने जवाब दिया था कि वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक के बाद एक जब समन जारी होता रहा ईडी की तरफ से तो मुख्यमंत्री का जवाब भी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राजनीति रंग देने वाला रहा। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए ईडी जो कोशिश कर रही है उसमें वो सफल नहीं हो पाएगी, और इसी के साथ ही पूरा जो मामला है वो सियासी रंग लेता नजर आया। आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री को ये कहती रही कि कानून का सम्मान करना चाहिए, मुख्यमंत्री को ईडी के सामने हाजिर होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि आखिर किस रूप में उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया जा रहा है, तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब जब 7वां समन जारी हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ये जवाब आया कि अगर आपको पूछताछ करनी है, यानी ईडी के
अधिकारियों को अगर पूछताछ करनी है तो वो मुख्यमंत्री आवास आ सकते हैं। अब पूरा मामला इसी बीच राजनीतिक रंग लेता नजर आता रहा। लगातार जो है वो सत्ता पक्ष के लोग ईडी का इस्तेमाल बीजेपी के द्वारा किए जाने का आरोप लगाते रहे। वहीं बीजेपी का सीधे तौर पर ये कहना है कि भ्रष्टाचार जहां राज्य में हुआ है उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है। तो पूरा जो अब मामला है वो कहीं ना कहीं 2024 को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच 2024 के चुनाव से पहले कई राजनीति जो है वो कई और करवट ले सकती है, तमाम चीज़ों का अंदेशा लगातार लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात तक मुख्यमंत्री से पूछताछ हुई, मुख्यमंत्री से पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री ने निकलकर जो कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, तो सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन में एक तरीके से ताकत मिली है मुख्यमंत्री के संबोधन के पास। लेकिन अभी भी भारतीय पार्टी मुख्यमंत्री पर निशाना साधने से परहेज नहीं कर रही है। जी शुक्रिया कामरान, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। चलिए बात करेंगे, झारखंड सरकार स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।